सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चार्थे सुभिज्ञः सुराट, जो भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। ऐसे सुंदर भगवान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। किसी ने पूछा कैसा ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, तब कहा कि बड़े बड़े साधु जन भी जिस उपदेश को, जिस ज्ञान को सुनकर के मोहित होते हैं, ऐसा सुंदर ज्ञान नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और भगवान ये संसार को बनाते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जो भगवान संपूर्ण विश्व को बनाने वाले हैं। अब देखिए संसार कितना सुंदर है, सुंदर नदियाँ, सुंदर सुंदर वृक्ष, देखने में बड़ा सुंदर ये संसार हमें लगता है, और बनाने वाले कौन है? भगवान है। लेकिन जो भगवान ने अपने माया से संसार का निर्माण किया, वो भगवान सर्वथा माया से दूर ही रहते हैं। वो हमारी तरह नहीं है, हमारी आपके तरह भगवान नहीं है। एक मकान बनाया और हमारा मन उसी मकान में लगा है, वो माया में हम जुड़ गए। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया, फिर भी माया से दूर रहते हैं। ऐसे भगवान को, ऐसे सत्य स्वरूप परब्रह्म को हम सब नमन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य का वंदन किया गया। किसी ने पूछा व्यास जी से, देखो आपने यहाँ पर सत्य क्यों लिखा? सत्य के स्थान पर राम लिख देते, कृष्ण लिख देते, अन्य भगवत नाम लिख दिए होते तो सही रहता, लेकिन सत्य कह करके आप क्या कहना चाहते, क्या बताना चाहते? सत्यम परम धीमहि क्यों लिखा? व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्य लिख करके मैंने सब कुछ लिख दिया, क्योंकि भगवान राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, शिव ही सत्य है। सत्य से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है महाराज, इसलिए सबसे बड़ा धर्म सत्य है।